तीन तलाक का डर बनाकर मुस्लिम महिलाओं से आए दिन किए जा रहे शोषण के मामले प्रकाश में आ रहे हैं, जिसमें कि अभी ताज़ा मामला यूपी के हाथरस का है। हाथरस के ही लाला के नगला मोहल्ले की रहने वाली एक महिला को उसी के पति एवं ससुराल जनों ने दहेज को लेकर मारा पीटा एवं दहेज न लाने की स्थिति में तलाक की बात कही। अब महिला अपने न्याय की गुहार लेकर पुलिस के पास पहुँची है। पुलिस कार्रवाई की बात कह रही है। क्या नाम है तुम्हारा? आप यहाँ कोतवाली में क्यों आई हैं? किन सातों ने मारा है? ने, देवर ने, नहीं। आदमी ने, दोनों ने। अच्छा, इनके ससुराल वालों ने मारा है। क्यों क्यों मारते हैं? मारते हैं तो दहेज लाई है जी, कम दहेज लेकर गई है। दहेज मांगने के लिए मारते हैं? क्या क्या मांगते हैं? पैसा दे, 25-30 हज़ार रुपया दे उन्हें, और वो मांग रहे हैं कपड़े धोने। आज क्या किया है आपकी लड़की के साथ इन्होंने? आज मारपीट करी, चली बताओ। मैं तो वहाँ पर अपने आदमी की जमानत कर रहा ना। अच्छा, की मेरे आदमी की तो शादी कितने दिन पहले की है आपने? 7 महीने पहले शादी की है। क्या नाम है आपका? निक्की। निक्की, क्या हुआ है तुम्हारे साथ? मुझे नहीं मारा पीटा। किसने मारा पीटा है? और मेरे आदमी ने मारा है, दहेज के लिए। हाँ। क्या कहते हैं? मैं गाड़ी मोटर लेके पैसा लेके अपनी माँ से, और नहीं मना कर देती तो दरवाजे का नाम देते हैं। और नहीं आज मैं उनको बुला दिया, पेट्रोल बहुत बुरी मार लगाई। आज पेट्रोल डाला है? हाँ। मतलब अगर उनके कहते हैं कि अगर तुम दहेज नहीं लाओगी तो तुम्हें तलाक दे देंगे। हाँ। कहते हैं नहीं, दहेज नहीं लेके आई, तलाक दे देंगे तुम्हें। तलाक दे देंगे? आपने थाने में शिकायत करी? करी है। थाने वाले क्या कहते हैं? अब पता नहीं, अब आप क्या चाहती हैं? उनको सबक मिले, यानी बंद होने चाहिए ये लोग। मारपीट और दहेज का आरोप लगाया जा रहा है। इसमें जो है अभी उसके जो महिला है और उसके घर वाले हैं वो भी थाने पर आए थे। उन्होंने सासे की शिकायत की है और उसके कुछ चोटें भी लगी हुई थी। तुरंत हमने मेडिकल के लिए उसको भेज दिया है। मुकदमा लिखवा करके आवश्यक कार्रवाई कराई है।